इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है आज। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सदन में कई मुद्दों को लेकर के हंगामे के आसार है, क्योंकि पहला दिन और दूसरा दिन हमने देखा काफी हंगामेदार रहा और कई अहम मुद्दे जो सदन में गूंजते हुए सुनाई दिए। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष और सुबह 11 बजे यह कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। आज एक बार फिर से हंगामेदार रहने की संभावनाएं हैं, सदन में हंगामे के आसार हैं। का तीसरा और आखिरी दिन प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। रवि, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले विधानसभा में? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आज तीसरा और अंतिम दिन है शीतकालीन सत्र का, और तीसरे दिन विधायकों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की जो शुरुआत है वो होगी, और उसके बाद जीरो आवर जो होता है शून्यकाल, उसकी शुरुआत की जाएगी। कहीं ना कहीं विधायक अपनी तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सदन में वो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। गोहाना के विधायक जगवीर मलिक भ्रष्टाचार से मुद्दा जो है सदन में उठाएंगे। प्रदेश में साल 2015 से आज तक सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों का जिलेवार जो है ब्यौरा उनकी तरफ से मांगा गया है। इसी के साथ पृथला से विधायक नैनपाल रावत सरकार से पूछेंगे कि क्या सरपंच और ग्राम पंचायतों की शक्तियां बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश में नवंबर 2019 से नवंबर 2023 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभागों में तथा बोर्ड निगमों में पंजीकृत हुए मामलों की संख्या जो है वो पूछते हुए नजर आएंगी। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जनसंवाद का मुद्दा और सरकार से पूछेंगे कि क्या राज्य में संचालित जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये उनके द्वारा पूछा जाएगा। असम से विधायक शमशेर गोगी भी सरकार से पूछेंगे कि 24 फरवरी 2021 को सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने से लेकर 3 दिसंबर 2022 को नए सरपंचों का चुनाव तक सरपंचों का कार्यभार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को दिया गया था, अगर हाँ तो विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि कितनी है, ये तमाम जो बातें हैं वो पूछी जाएंगी। इसी के साथ साथ नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव कारीगरों को मुआवजा देने का मुद्दा जो है वो उठाएंगे। तो अनेक ऐसे सवाल हैं, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सदन में चर्चा होनी है, और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा आज जो है वो होगी। स्कूलों की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है आज सदन में लगाया गया है। बिल्कुल रवि, और एक और महत्वपूर्ण चीज जो राज्य गीत की बात कही जा रही थी, पहले दिन वो राज्य गीत सुनाए गए थे, उन पर भी आज अंतिम फैसला होना है कौन सा गीत चुना जाएगा। तो बिल्कुल, देखिए आज का ही समय जो है वो पहले दिन जब 3 गीत सुनाए गए थे राज्य गीत को लेकर, एक साल के लिए राज्य गीत जो है वो चयनित होना है। 3 गीत सुनाए गए थे, उनमें से एक गीत आज फाइनल होना है। तो देखना होगा कि विधायक कौन से गीत को कहीं ना कहीं चुनते हैं और कौन से गीत को लेकर आज चर्चा होती है, किस प्रकार से राज्य गीत एक साल के लिए बनता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कहा गया था कि राज्य गीत जो है वो लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए और हर साल इस प्रकार से नया गीत वो सही नहीं है, उचित नहीं, इस प्रकार की बातें कांग्रेस विधायकों की तरफ से की गई थी। देखना होगा 3 जो गीत है उनमें से कौन सा गीत राज्य गीत के लिए आज चुना जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो आज आखिरी दिन है विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का, और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है।